में एक इवेंट कंपनी के महिला बाउंसर के साथ उसके दोस्त और साथियों ने किया गैंगरेप, विरोध करने पर लोहे की रॉड से किया हमला। युवती को घर से घुमाने के बहाने बुलाकर आरोपियों ने किया गैंगरेप, एक आरोपी गिरफ्तार, दो अब भी फरार। हरियाणा के गोहाना में दो दलित छात्राओं से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला, नौवीं और दसवीं में पढ़ने वाली दोनों बहनों से गांव के ही युवकों ने किया गैंगरेप। दलितों पर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री की अपील का नहीं हो रहा असर, आंध्र प्रदेश के अमलापुरम में गोहत्या के आरोप में तीन दलितों की जमकर पिटाई, सभी अस्पताल। मुंबई के हीरानंदानी अस्पताल में किडनी रैकेट में अब तक 12 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी, हीरानंदानी अस्पताल का सीईओ भी गिरफ्तार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने फिर छेड़ा कश्मीर का राग, कहा पाकिस्तान कश्मीर के लोगों की आवाज उठाता रहेगा। जम्मू कश्मीर में सरहद पार आतंक को लेकर विदेश मंत्रालय ने दिखाई सख्ती, विदेश सचिव ने पाक हाई कमिश्नर को तलब कर जताया एतराज। लश्कर आतंकियों को लेकर विदेश सचिव ने पाक उच्चायुक्त को दी सीधी चेतावनी, हाल में धरे गए पाक नागरिक बहादुर अली पर भी चर्चा। कश्मीर में ताजा हालात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी चिंतित, मध्य प्रदेश के चंद्रशेखर आजाद की धरती से बोले, नौजवानों के हाथ में लैपटॉप की जगह पकड़ाए गए पत्थर। आज ऐसे निर्दोष बालकों के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए जाते हैं, कुछ लोगों की राजनीति तो चल पाएगी लेकिन मेरे इन भोले भाले बालकों। चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भावरा से पीएम ने की 70 साल आजादी जरा याद करो कुर्बानी अभियान की शुरुआत, देश भर में चलेगा कार्यक्रम। भारत छोड़ो आंदोलन की 74वीं बरसी पर कोलकाता में बीजेपी महिला विंग की तिरंगा यात्रा, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। गो रक्षा को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार के निर्देश, कहा बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे हमले और मारपीट। आज तक की खबर का असर, जयपुर की हिंगोनिया गौशाला पर पीएमओ के निर्देश के बाद केंद्र ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। गोरक्षकों पर आज तक की खबर के बाद जागी हरियाणा सरकार, गोरक्षा के लिए काम करने वाले संगठनों के रजिस्ट्रेशन का आदेश। धर्म प्रचार के आड़ में जाकिर नायक के भाषणों में मुंबई पुलिस ने देखा जहर, महाराष्ट्र सरकार को सौंपे रिपोर्ट। दिल्ली में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के ग्राम प्रधानों से मिले पीएम मोदी, उनके इलाकों में विकास कार्य को लेकर की बात। गया में बेकाबू ट्रक से कुचलकर चार स्कूली बच्चों की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने स्कूल में लगाई आग, ट्रक ड्राइवर को मार मार कर अधा किया। स्कूल में मिड डे मील के लिए टीचर ने सभी बच्चों को सड़क पर कतार में किया था खड़ा, तभी बेकाबू ट्रक ने रौंदा, हादसे में 6 बच्चे घायल। दिल्ली से सटे गुड़गांव के डीएलएफ फेज 1 में निर्माणाधीन इमारत के बेसमेंट में मिट्टी ढहने से 2 मजदूरों की दबकर मौत, दोनों बिहार के रहने वाले। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में डॉक्टर दंपति की हत्या से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के सहारनपुर में एक युवती को अगवा करने की कोशिश, विरोध करने पर बदमाशों ने मारा चाकू, घायल होने के बाद भी लड़की ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। मुंबई से अगवा कारोबारी बिहार के बेतिया से बरामद, फिरौती की 30 लाख रकम के साथ 3 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। नीतीश के गृह जिले नालंदा में शराबबंदी का उल्लंघन करने पर पूरे गांव को मिली सजा, कैलाशपुरी गांव में 50 घरों पर 5,000 का सामूहिक जुर्माना। मध्य प्रदेश के रतलाम में शाद में भोजन करने के बाद करीब 400 लोग बीमार, मरीजों की संख्या देख अस्पताल में जमीन पर लगाने पड़े बिस्तर, सभी की हालत खतरे के बाहर। यूपी के जौनपुर में भूमि विवाद में दबंगों ने एक महिला को जिंदा जलाया, अस्पताल में तोड़ा दम, विधायक के लोगों पर लगा आरोप। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 65 लाख के डोडा पाउडर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, दिल्ली और दूसरे राज्यों तक जुड़े तार। राजस्थान के जोधपुर में मूसलाधार बारिश से हाहाकार, राय का बाग रेलवे स्टेशन में घुसा बाढ़ का पानी, ट्रेनों की आवाजाही पर असर, आज स्कूलों में छुट्टी। राजस्थान के टोंक में बीसलपुर बांध के 14 गेट खोले गए, नदी किनारे बसे गांव में जारी किया गया अलर्ट। राजस्थान के पाली में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बुलाई गई। इलाहाबाद में संगम किनारे प्राचीन हनुमान मंदिर में बाढ़ का पानी घुसने से श्रद्धालुओं में खुशी, लोगों की मान्यता मंदिर में पानी घुसने पर साल भर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती।